हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी सुबह का जो मेरा डेली का रूटीन होता है वो मेरा शुरू हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ और ही शेयर करूँगी। और मैं वो शेयर ये करूँगी, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, बरसात में जैसे घर के आसपास कहीं पे भी काई जम जाती है, तो उस काई को हम किस तरह साफ करें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं वही शेयर करूँगी और बाकी और कुछ भी शेयर करूँगी जो मेरा रूटीन है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आपको पता चले कि मैं क्या क्या काम करती हूँ और क्या क्या मेरा डेली का रूटीन होता है। तो यहाँ पे मैं अभी सफाई करती थी, सुबह सुबह का है ये समय। तो सुबह हर मतलब सबके घरों में पहले सुबह झाड़ू लगता है, तो वही मेरा भी होता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखो, इतनी ये काई जम रखी है और ये मेरे घर के बाहर है। यहाँ पे ये काई इसलिए जम रखी है क्योंकि जो मेरा ऊपर वाला मकान है वहाँ से जो पानी मतलब जैसे बारिश आती है ना, तो ये टपकता रहता है दिन रात, तो उसके चक्कर में यहाँ पे काफ़ी काई जम चुकी है। इसको मैं किस तरह साफ़ करूँगी मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आप पाउडर देख रहे होंगे, ये कौन सा पाउडर है ये आप लोग जान भी चुके होंगे जिन्होंने ये यूज़ किया होगा। तो ये इस पाउडर का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, और ये मैंने डाल दी इस काई के ऊपर। मैं इसको आपको साफ़ करके दिखाऊंगी ये बाद में किस तरह साफ हो जाता है, और ये मैं पूरा इसके ऊपर फैला दूंगी। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है और 50 रुपये किलो ही मिलता है, ज़्यादा का भी नहीं है। तो मैं बाद में आपको यहाँ पे पूरा ये साफ करके भी दिखाऊंगी। अब पूरा मैं ये फैला के थोड़ा सा झाड़ू से फैला दिया मैंने। फिर दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये मेरा मंडे से पहले है, मतलब सोमवार से पहले का है ये। और यहाँ पे देखो, काफ़ी कुछ कोने छूट जाते हैं, हमारे डेली सफाई नहीं होती है, तो आज मैं इसी कोने की सफाई करूँगी। और यहाँ पे काफ़ी कुछ मेरा फैल चुका है, तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो ये कालीन है, ये वैसे मैंने ऊपर रखा था, अलमारी के ऊपर था ये, नीचे नहीं रखती हूँ मैं क्योंकि कीड़े उड़े काट देते हैं। और मेरे हस्बैंड ने शायद ये नीचे निकाल दिया था, तो यहाँ पे ये इकट्ठा हो रखा। और यहाँ पे ये पीछे का है, ये पीछे वाली खिड़की है ये, तो इस खिड़की को हम ज़्यादा खोलते भी नहीं हैं। तो यहाँ से मैं ये सफाई शुरू करूँगी और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये डंपल हैं, हस्बैंड के हैं, और सारी चीज़ें मैं बाहर निकालूँगी और संभाल दूँगी, कुछ जो इधर उधर रख दूँगी तभी यहाँ पर सफाई हो पाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि डेली सफाई नहीं हो पाती हैं, कुछ कोने छूट जाते हैं, जैसे हम झाड़ू पोछा रोज़ करते हैं तो कुछ कोने ऐसे होते हैं वो छूट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज वही कर रही हूँ, और ये वीडियो मंडे से पहले की है। तो यहाँ पे मैं सारे निकालूंगी। और ये कालीन है, तो कालीन भी इन्होंने नीचे निकाल दिया था, तो इसको सबको मैं संभाल के रख दूँगी। और कुछ चीज़ें यदि छूट जाए तो थोड़ा बहुत गंदी हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने काफ़ी नीचे निकाल दिए थे, किसका दिए थे सामान, तो ये मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। आप कुछ चीज़ें गिर जाती हैं पीछे, आपको पता ही है, कहीं बक्से के पीछे, टेबल के पीछे, तो और यहाँ पे मैं आप खिड़की से सफाई करके लाऊंगी। और जैसे मतलब डेली ना झाड़ो तो जाले लग जाते हैं, और अभी मेरा वही हो रहा है। और यहाँ पे एक दिन चाय गिर गई थी, मेरा मतलब नाती आया था, मेरी बेटी का बच्चा, तो बच्चे
गिर देते हैं। खेलते खेलते उसने कुछ गिर दिया था, इधर पहले डबल बेड था तो उसने थोड़ा गिर दिया। बच्चे होते हैं आपको पता ही है कि उधम मचाते रहते हैं, तो जैसे थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं तो ज़्यादा ही उधम मचाते हैं, फिर जैसे ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं फिर समझदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी सफाई अभियान है ये आज, और ये सामान इधर से उधर, उधर से इधर खिसकाना पड़ेगा तभी सफाई होगी। और काफ़ी डस्ट निकल जाता है, जैसे हम लोग काफ़ी दिनों के बाद सफाई करते हैं तो निकल जाता है। और यहाँ पे उधर उस साइड मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो मैंने कहा इधर से मैं पोछा भी मार देती हूँ ताकि मैं सामान उधर खिसका दूँगी। और मैंने फैन भी चला रखा ताकि जल्दी सूख भी जाए। तो इधर से मेरी अलमारी है तो लग रहा था मैंने फिर उल्टे होके पोछा मार दिया। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप डस्ट हो रखा है, फिर इसको साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही पोछा मार रही हूँ मैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आपकी, अब थोड़ा सा यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा। और जो ये स्टैंड है मेरा, ये बहुत पहले हमने टेलीविजन के लिए लिया था, पहले ऐसे ही स्टैंड होते थे तो हमने खुला वाला लिया, बंद नहीं लिया। और हमारे टाइम पे ऐसे होते थे, अब हो गई दूसरे दूसरे किस्म के। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने सफाई कर दी, आगे मैं वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने साफ कर दिया था, ये कोना मेरा साफ हो गया। काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, आज मैं रात को पेपर पढ़ते तो वहीं डाल देते हैं वो। और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि फेंकी नहीं जाती हैं तो मैंने रखी है यहाँ पे। और दोस्तों ये देखो मैंने जो ब्लीचिंग डाला था, थोड़ी देर में बारिश तो आ गई थी फिर भी काफ़ी साफ हो गया मेरा। यहाँ पे ये जो काई है बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे काई जमी हुई थी। और आप लोग भी देख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर डाल के ये इतने काम का चीज़ है। और यदि आपको थोड़ा सा भी यदि कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करना। और आज की वीडियो दोस्तों मेरी इतनी होगी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।